अगर हम लोग देश की अर्थव्यवस्था को ही देखेंगे तो जो 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वीं अर्थव्यवस्था थी, आज वही भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। यह प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और इसके साथ ही भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं ये राज्यों के सहयोग से और तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी का विजन है और उसके लिए भारत सरकार ने अपना एक रोड मैप तैयार किया है कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में भारत को स्थापित करना है, तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश का भी दायित्व बनता था कि हम देश की स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के नागरिकों की स्पीड को भी आगे बढ़ा सकें और उसी स्पीड के साथ जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी यह तय किया कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करेंगे। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, उत्तर प्रदेश का बजट उसी की श्रृंखला का एक हिस्सा है। इसमें आपने देखा होगा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए हम लोगों की एक रोड मैप तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पूरे सभी विभागों को, अन्य संबंधित सेक्टर को 10 सेक्टर में हमने विभाजित किया। हर एक सेक्टर में कोई हमारा एक वरिष्ठ मंत्री उस सेक्टर की निगरानी कर रहा है। अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी पाक्षिक रूप से उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उस पीढ़ से जुड़े हुए विशेषज्ञ, उस पीढ़ से जुड़े हुए जो अर्थशास्त्री हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबका सहयोग इसके लिए लिया जा रहा है और स्वयं सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से मैं इसकी समीक्षा करता हूं और उसकी नियमित समीक्षा के साथ साथ कौन से सेक्टर में कमी है, किस सेक्टर में कहां पे पुशअप करने की आवश्यकता है, उसके लिए उस प्रकार की कार्य योजना को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।